सबा खान का एविक्शन हो गया है। सबसे पहले सलमान ने अनूप का नाम लिया, वो घर से बाहर हुए, माहौल ठीक था। सबा खान का नाम जैसे ही अनाउंस हुआ घर वाले रो पड़े, लेकिन घर वालों के बाद बाहर भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे फैंस रो पड़े। रीजन था कि सबा को बाहर कैसे कर दिया, जबकि घर में ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जिन्हें बाहर निकाला जा सकता था। पर सबा के एविक्शन के बाद जहां सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ी है, लोग लगातार सबा के बारे में बात कर रहे हैं, बिग बॉस पर भड़क गए हैं। आइए जरा टीम से जानते हैं उनका क्या रिएक्शन है सबा के एविक्शन के बाद। सबा खान एक अच्छा खिलाड़ी थी और बिग बॉस में अगर देखें तो उनकी वजह से थोड़ा वो चल भी रहा था शो। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही बुरी थी, उनसे बुरे भी कई खिलाड़ी थे और वो बहुत अच्छा खेल रही थी। और जिस तरीके से उनको निकाला गया है, वो यूँ लग रहा है कि बिग बॉस जानबूझ के कहीं ना कहीं जो है जो मेकर्स हैं उन्होंने निकाला है, उनको बाहर किया है। बहुत बुरा लगा और एक अच्छी खिलाड़ी थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको निकलना चाहिए था पहले। देखें डबल इविक्शन था तो एक अनूप जलोटा को निकाल के भी उनको रखा जा सकता था। बहुत तगड़े से फाइट भी कर रही थी, कुछ मसाला भी दे रही थी और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग जो है उम्मीदवार थी और दोनों बहनें मिलकर अब मैनिपुलेट भी कर रही थी लोगों को। तो सभा का जाना सच में बुरा लगा है और सबसे बुरा इसलिए भी लगा कि वो डिज़र्व करती थी घर में, अभी मिनिमम 4 से 5 हफ्ता और रह सकती थी वो। तो बहुत बहुत बुरा लगा है। सभा का एविक्शन सरप्राइजिंग तो था ही, शॉकिंग भी था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अनूप जलोटा को एविक्ट कर दिया उसके बाद मतलब चल सकता था, काम चल सकता था। अगर सभा एक और वीक और रह जाती तो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक एविक्शन ऑलरेडी हो गया था। और कुछ भी कहो, सभा और सोमी मिलकर या अकेले अकेले भी इस शो में दिख रहे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब इनफैक्ट अगर मैं उर्वशी की बात करूँ तो वो तो दिख मतलब कहीं पर भी नहीं दिख। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं देखती कि सलमान खान वीकेंड के वार पे उनसे बात भी करते हैं। तो और भी बहुत से ऐसे थे लोग जिनको बाहर निकाला जा सकता था। शिवाशीष हैं जो इतना कुछ खास नहीं कर रहे हैं, जसलीन हैं जो मतलब मुझे लगता है अनूप जलोटा जसलीन को साथ में निकाल देते अगर आपको डबल एविक्शन करना था। सभा थोड़ा सा और रुकना डिजर्व करती थी कि क्योंकि वो दिख रही थी घर में और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी अपनी बहन के साथ भी, और जब वो दोनों बहनें साथ थी अलग हैं तो भी मतलब एक आइडेंटिटी थी उनकी। तो सच में शॉकिंग था और इसके बिना भी काम चल सकता था। सभा का बिग बॉस के घर से जाना थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है। सभा दोनों बहनें काफ़ी अच्छा खेल रही थी, सभा और सोमी लगातार, और अगर आप स्टार्टिंग से उनकी जर्नी देखें तो हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी राय जरूर रखी है। भले ही हालांकि हम शुरू में कह रहे थे कि वो घर की विलेन है और सुरभि के आने के बाद थोड़ा वो डाउन भी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बाकियों के बनस्पत काफ़ी एक्टिव थी, काफ़ी कुछ बोल भी रही थी। और जब घर में इविक्शन होना था, अनूप जलोटा को जनता ने निकाला या बिग बॉस ने, वो एक तरीके से सही था, लेकिन उसके बाद सभा को निकालना, सभा को थोड़ा और समय देना चाहिए था। काफ़ी अच्छा खेल रही थी और कंटेंट तो वो काफ़ी दे रही थी। अब आप देखिए कि सभा के जाने के बाद कैमरे पर सिर्फ 3 ही लोग रह गए हैं जो दिखेंगे। दीपक और श्रीशांत को आप देखें ना देखें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दीपक, रोमिल और सुरभि। तो अब सब सौमी जो है वो अब कितना बोलती हैं सभा के नहीं रहने पर, ये भी देखना होगा। सभा खान घर से बाहर हो गई है, ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि सभा खान काफ़ी अच्छा खेल रही थी, अच्छे टास्क करती थी, इवन झगड़ा भी करती थी घर में, क्योंकि शिकायत ही रहती थी कि नेहा पेंट से घर में झगड़ा नहीं करती है, लेकिन सभा खान उनके मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ऐसा मुझे नहीं लगता था कि सभा खान इतनी जल्दी घर से चली जाएगी, लेकिन सभा खान घर से गई ये बहुत ज़्यादा झटका देने वाला था, क्योंकि ऐसी उम्मीद मैंने नहीं की थी कि बिग बॉस के घर से सभा खान इतनी जल्दी चली जाएगी। थोड़ा सा नाराज़गी है सभा खान, क्योंकि काफ़ी अच्छा माहौल था, दोनों बहनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा थी, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेती थी, तो अब वो जो बॉन्डिंग है वो नहीं दिखाई देगी। कहीं ना कहीं बिग बॉस ने वो बहनों की जो बॉन्डिंग थी उसको तोड़ दिया है, तो ये झटका भरा है। बिग बॉस से सडनली सभा खान का बाहर होना मतलब बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। मुझे मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि सभा को बाहर कर दिया जाएगा, और वहीं पे अनूप जलोटा जी भी घर से बाहर हो गए, तो वो भी काफ़ी शॉकिंग ही था। लेकिन मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद कोई और होगा इस हफ्ते घर से बाहर, लेकिन सभा हो गई है, क्योंकि सभा अच्छा खेल रही थी, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी। उनकी जो सिस्टर है सोमी, उन दोनों की जो जोड़ी थी मतलब वो दिख रही थी स्क्रीन्स पर, तो सब देखना पसंद कर रहे थे। हालांकि काफ़ी इरिटेटिंग लगती थी मुझे दोनों, मतलब बिल्कुल बेसलेस यूज़लेस चीज़ों पे मतलब घर वालों से झगड़ा करते थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग मसाला मिलता रहता था हर हफ्ते। लेकिन अब सभा बाहर हो गई और सोमी अकेली हैं, तो मतलब किस तरह से क्या कुछ होगा अब घर में, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। खैर मतलब
अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए सबा का घर से बाहर होना। सबा का निकल जाना फिलहाल तो थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन बिग बॉस अपनी शायद टीआरपी के लिए उन्होंने सबा को निकाल दिया है, बेशक ये कह के कि वोटर्स ने उनको वोट कम दिए हैं। इसी चक्कर में सोमी शायद और स्ट्रांग होगी, अपना पक्ष और अच्छे से रख पाएगी, अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ पाएगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि दोनों बहनों में यूनिटी बहुत अच्छी है, तो टूट गई वो यूनिटी, और उसी के चक्कर में सोमी इस बिग बॉस में शायद और अच्छी कंटेस्टेंट बन पाएगी। बहरहाल आपको क्या लगता है, सबा खान का एविक्शन सही था या गलत था, किसी और को बाहर किया जा सकता था या नहीं, बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस वीकेंड के वार में बहुत सारे बवाल हुए हैं और उसके बाद बिग बॉस पर फैंस भड़के हुए हैं। क्या फैंस सही कर रहे हैं, क्या उनका मानना ये सही है कि सबा को तो घर में रखते कम से कम 3-4 हफ्ते? अपनी राय हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।